फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं मीवी स्पीकर का टियर डाउन करूंगा। पावर ऑन, वर्चुअस माउथ, पावर ऑन। तो सबसे पहले फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से फ्रंट ग्रिल को रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल में कोई लॉक नहीं है, ये बेसिकली ग्लू से चिपका हुआ है, तो कोई लॉक ना होने की वजह से ये इजीली रिमूवेबल है। ये फ्रंट ग्रिल बना हुआ है पत्रे से एंड अब निकाल लेते हैं 6 फिलिप हेड स्क्रूज। एंड फिर एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लेंगे ये इसका स्पीकर पैनल। ये मीवी का स्पीकर 5 वॉट का बना हुआ है। एंड अब निकाल लेते हैं स्पीकर कनेक्शन। फिर निकाल लेंगे इसकी बैटरी जिसकी कैपेसिटी है 2000 mAh, जो एक चार्ज पर 5 से 6 घंटे पर चलता है। फिर निकाल लेंगे इसका माइक कनेक्शन। फिर निकाल लेंगे 3 फिलिप हेड स्क्रूज एंड रिमूव कर लेंगे इसका मदरबोर्ड। ये साइड में जो रबर कैप लगा हुआ है, इसकी थिकनेस बता रही है कि ये स्पीकर वाटर रेजिस्टेंट है। ये रहा इसका माइक जो बॉडी से अटैच्ड है। एंड अब मदरबोर्ड पे आ जाते हैं। ये रहा इसका स्पीकर कनेक्टर, ये है इसका बैटरी और ये है इसका माइक कनेक्टर। एंड जो स्पाइरल डिज़ाइन आपको ऊपर दिख रहा है वो है इसका ब्लूटूथ रिसीवर। एंड ऊपर ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं इससे ये स्पीकर ऑपरेट होता है। सो अब हम डायरेक्ट टेस्ट करेंगे इसके साउंड आउटपुट को। तो सारे कनेक्शंस लगा लेंगे। तो सबसे पहले लगा लेंगे स्पीकर का कनेक्शन, फिर बैटरी का कनेक्शन, एंड फिर इसे ऑन कर लेंगे एंड मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। एंड आप देख सकते हैं इसका म्यूजिक साउंड आउटपुट नॉर्मल है, जो आधे रूम को कवर कर रहा है। सो बेसिकली इसकी बॉडी का सबसे बड़ा रोल है साउंड एंड बेस आउटपुट में। एंड अब करते हैं इसको ऑफ एंड कर लेते हैं स्पीकर को रीअसेंबल। तो सबसे पहले प्लेस कर देंगे इसका मदरबोर्ड बॉडी पर, फिर 3 फिलिप हेड स्क्रूज, फिर कनेक्ट कर लेंगे माइक, फिर बैटरी प्लेस करने के बाद कर लेंगे कनेक्शन बैटरी का। फिर लास्ट में स्पीकर को कनेक्ट कर लेंगे। एंड स्पीकर पैनल को बॉडी पर प्लेस कर देंगे।
फिर लगा लेंगे 6 फिलिप हेड स्क्रूज एंड एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं इसका साउंड आउटपुट। तो फाइनली लगा लेंगे इसका फ्रंट ग्रिल और कर लेंगे इस टियर डाउन वीडियो को कंप्लीट। एंड आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं, पहले साउंड आउटपुट कम था और अब साउंड आउटपुट बढ़ गया है, जो बेसिकली इसकी बॉडी की वजह से हुआ है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टेस्ट करूँगा कि 10 वॉट के स्पीकर के साथ इसका साउंड आउटपुट कितना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।